अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, आज हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको वर्ड्स मीनिंग करवाऊंगी और देन हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस ये आपने अपनी कॉपीज पर लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 हज़रत उमर का पेज नंबर है आपका 60। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको थोड़ा बहुत तो हज़रत उमर के बारे में पता ही है ना कि वो इस्लाम के चारों खलीफा में से एक खलीफा थे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पहले इसकी। हज़रत उमर वॉज द सेकेंड खालिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे वो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। He was born at मक्का, वो मक्का में पैदा हुए थे। In a noble tribe, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में, called the Quraysh, जिसे कुरैश कहा जाता था। वो मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए जिसे कुरैश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, He received the title of फ़ारूक after he embraced Islam. He received, उन्होंने हासिल किया the title of फ़ारूक, फ़ारूक का खिताब, after he embraced Islam, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी इस्लाम कबूल करने के बाद उनको फ़ारूक का टाइटल दिया गया। He was one of the very few persons, he was, वो थे one of the very few people, उन चंद लोगों में से, persons, उन चंद लोगों में से एक, in मक्का, मक्का में, Who could read and write, जो पढ़ना और लिखना जानते थे। वो मक्का के उन चंद लोगों में से एक थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। He was a tall, वो लंबे थे, strong, मजबूत थे, and brave man, और बहादुर आदमी थे। वो लंबे, मजबूत और बहादुर इंसान थे या आदमी थे। He was also a very good wrestler, वो बहुत अच्छे पहलवान भी थे। हॉर्स राइडर, घुड़सवार, यानी कि जो घोड़े पर सवारी करना जानता है। एंड स्वॉर्ड्समैन, और शमशीर जनी, यानी कि जो तलवार चलाने में माहिर होते हैं। वो एक अच्छे पहलवान, घुड़सवार और शमशीर जन भी थे। बिजनेस वॉज हिज ऑक्यूपेशन, उनका पेशा तिजारत था। बिजनेस वॉज हिज ऑक्यूपेशन, उनका पेशा तिजारत था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कन्वर्शन टू इस्लाम वॉज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इन हिज मिशन ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर का इस्लाम में आना इस्लाम के मिशन के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के लिए बहुत अहमियत रखता था। ठीक है, कन्वर्शन, जब वो इस्लाम में दाखिल हुए, ग्रेट वैल्यू, बहुत अहमियत रखता था टू द रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इन हिज मिशन ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के उस मिशन में जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कर रहे थे। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, ही रिमेन्ड, वो रहे वेरी क्लोज टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत क्लोज रहे, यानी कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वह इस्लाम के दायरा कार में दाखिल हो गए तो वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत क्लोज रहे। हज़रत उमर रिमेन खालिफ फॉर 11 ईयर्स, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 11 साल जो थे उन्होंने खिलाफत की, यानी कि वो खलीफा रहे मुसलमानों के। ही कंकर्ड, उन्होंने फ़तह किया, अ वास्ट एम्पायर, एक अजीम सल्तनत, ड्यूरिंग द 11 ईयर्स ऑफ हिज खिलाफत, अपनी खिलाफत के उन 11 सालों में, यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी खिलाफत के 11 सालों में बहुत अजीम सल्तनत को फतह किया। ही इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने मुतारफ करवाया, अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नज़्मो नस्क का एक अजीम निज़ाम उन्होंने मुतारफ करवाया, which served as a model for the Islamic world, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक, यानी कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक आला नमूना था।
ही इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने मुतारिफ़ करवाया मैनी रिफॉर्म्स, बहुत ज़्यादा इस्तलाहात ड्यूरिंग हिज रेन, अपने दौरे हकूमत में, सच एज, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, रियासत के दफातर, टू इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करने के लिए, द कंप्लेंट्स, उन शिकायात को, अगेंस्ट द ऑफिसेज ऑफ द स्टेट, जो रियासत के दफातर के खिलाफ मौसूल होती थी। यानी कि उन्होंने अपने दौरे हकूमत में वो निज़ाम मुतारफ करवाया जब कोई भी किसी रियासत के दफातर के ख़िलाफ़ शिकायत करता कि ये कोई काम सही नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया, रियासत के दफातर को कायम किया। ही ऑल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, उन्होंने आर्मी को तश्कील दिया, पुलिस फोर्स को दिया, एंड टैक्स सिस्टम के निज़ाम को भी मुतारफ करवाया। ठीक है, हज़रत उमर गेव ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू जस्टिस, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अदलो इंसाफ को बहुत अहमियत देते थे, एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, और लोगों के फलाह बहबूद को। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्त थे इन द केस ऑफ जजमेंट, अदलो इंसाफ के मामले में या इंसाफ करने के मामले में। ही वुड नॉट स्पेयर एनी वन, वो कभी भी किसी को भी माफ़ नहीं करते थे, नॉट इवन हिज ओन सन, हत्ता तक के अपने बेटे को भी। इफ़ रॉन्ग वॉज कमिटेड बाय हिम, अगर उससे किसी गलती का या गुनाह का इर्तकाब हो जाता, यानी अगर उनके बेटे से भी किसी गलती या गुनाह का इर्तकाब हो जाता, तो वो उसे भी माफ़ नहीं करते थे और ना ही वो किसी और को माफ़ करते थे। फॉर हिम, उनके लिए हाई एंड लो, ऊंचे और नीचे, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। उनके लिए कानून के सामने अमीर गरीब छोटा बड़ा सब बराबर हैं। ही रज़ी अल्लाह अन्हा फॉलोड द सेइंग ऑफ द रसूल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की या उनकी पैरवी करते। ट्रीट योर सर्वेंट, अपने ग़ुलाम के साथ ऐसा सलूक करो एज़ यू वुड ट्रीट योर सेल्फ, जैसा तुम अपने साथ चाहते हो, यानी अपने साथ वो सलूक करना, अपने ग़ुलामों के साथ वो सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। मास्टर एंड सर्वेंट, आका और ग़ुलाम, आर बोथ इक्वल, दोनों बराबर हैं, बिफोर अल्लाह, अल्लाह के सामने। द वर्शिप प्लेसेस, इबादत गाहें, एंड प्रॉपर्टी और जायदादें ऑफ नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमानों की, वर गिवन प्रोटेक्शन, उन्हें भी हिफाजत दी गई। हज़रत उमर वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू द पुअर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गरीबों के लिए शफीक और हमदर्द थे। ही स्पेंड, उन्होंने गुजारी, मैनी स्लीपलेस नाइट, बहुत रातें बग़ैर सोए हुए, रोमिंग, गश्त करते हुए, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की हालात को देखने के लिए और जानने के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने लोगों की हालत और उनके हालात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा रातें जो हैं वो गश्त करते हुए गुजारी। वन नाइट, एक रात, ही पास्ड बाय अ हाउस, वो एक घर के करीब से गुजरे, एंड हियर चिल्ड्रन क्राइंग, और उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। देयर वॉज अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर, वहाँ पर एक बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था जिसमें पानी था। द मदर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन टू गो टू स्लीप, माँ अपने बच्चों को बता रही थी कि वो जाएं और सो जाएं। एंड वेन द फूड वॉज रेडी, और जब खाना तैयार हो जाएगा, ही वुड वेक देम अप, तो वो उन्हें जगा देगी। बट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चे, वुड नॉट लिसन, उसे नहीं सुन रहे थे। हज़रत उमर आस्क्ड द वुमेन, हज़रत उमर ने उस औरत से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या माजरा है या क्या मसला है। शी टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, दैट देयर वॉज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है, देयर वॉज नो मनी, कोई रुपया पैसा नहीं है, एंड नो ग्रेन, और ना अनाज है इन द हाउस, घर में। हर हस्बैंड हैड डाइड, उसका शोहर वफात पा चुका है। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं। ही हेल्प द विडो, उन्होंने बेवा की मदद की विद फूड, खाने के साथ, मनी रुपये पैसे के साथ, एंड क्लॉथिंग और
कपड़े के साथ। वन डे एक दिन वाइल हज़रत उमर वॉज सेइंग हिज नमाज इन द मस्जिद, एक दिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी एक नमाज मस्जिद में अदा कर रहे थे, अ नॉन मुस्लिम नेम्ड फिरोज़, एक गैर मुस्लिम जिसका नाम फिरोज़ था, किल्ड द खालिफ विद द नाइफ, उसने खलीफा को एक चाकू के साथ कत्ल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लाइज बरीड नियर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन मदीना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नज़दीक मुदफ़न हैं। स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग देखिएगा। पहला वर्ड आपके पास एम्ब्रेस, किसी नज़रिए को कबूल करना। टू एक्सेप्ट एन आइडिया। ट्रीट, सलूक करना। टू डील विद कंडीशन, सूरत हाल या हालत। अ स्टेट एट अ पार्टिकुलर टाइम या फिर सिचुएशन। मैटर, माजरा या मसला। एंड अफेयर, जजमेंट, किसी भी चीज़ का फैसला करना। द एक्ट ऑफ assessing a person या किसी भी इंसान का फैसला करना। नेक्स्ट वर्ड है commit, इत्तकाब करना। परफॉर्मिंग या परफॉर्म एन एक्ट। उसके बाद है reign, दौरे हुकूमत। रूलिंग पीरियड ऑफ खालिद। लास्ट वर्ड है आपके पास swordsman, शमशीर जंग या तलवारबाज। A man who is skilled in using sword, ऐसा इंसान जो तलवार चलाने या तलवार इस्तेमाल करने में माहिर हो। स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग आपने जैसे मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, पहले वर्ड्स, फिर उर्दू मीनिंग्स और फिर इंग्लिश मीनिंग्स, आपने इसी तरह अपनी कॉपीज़ पर करने हैं। लेकिन आपने जब टेस्ट देना होता है तो उसमें आपने उर्दू मीनिंग्स नहीं लिखने होते। अगर आप लिखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखते तो एज सच कोई इशू नहीं होता। लेकिन इंग्लिश के मीनिंग्स आपके मस्ट होने चाहिए। अब हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड्स, स्टूडेंट्स मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग करवा दिए हैं, अब हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। पहला वर्ड है आपके पास एम्ब्रेस, कबूल करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फारूक आफ्टर एम्ब्रेस इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्लाम कबूल करने के बाद फारूक का खिताब दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वर्ड ट्रीट, सलूक करना। ही ट्राइज टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, वो हर एक के साथ बराबरी का सलूक करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपके पास है कंडीशन, सूरत हाल। हैप्पीनेस इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग हैप्पी, खुशी जो है वो खुश रहने की एक सूरत हाल होती है, या खुश रहने की सूरत हाल ही खुशी होती है। मैटर, मसला या माजरा। ही डील्स हिज मैटर वाइजली, वो अपने मसले या माजरे जो है वो अक्लमंदी से उन्हें हल करता है। उसके बाद है जजमेंट, फैसला करना। वी हैव टू प्रिपेयर, हमें तैयार होना चाहिए आरसेल्फ, अपने आप को, या हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए फॉर द डे ऑफ जजमेंट, फैसले के दिन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कमिट, इत्तकाब करना। शी डिड नॉट कमिट सुसाइड, उसने खुदकुशी का इत्तकाब नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, सेकंड लास्ट वर्ड है रिगेन, दौरे हुकूमत। हज़रत उमर वॉज़ अ पॉपुलर रूलर थ्रू आउट हिज रिगेन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दौरे हुकूमत में एक बहुत मशहूर बादशाह या बहुत मशहूर रूलर गुजरे हैं। लास्ट वर्ड है आपके पास स्वॉर्ड्समैन, शमशीर जन या तलवारबाज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वॉज़ अ स्वॉर्ड्समैन ड्यूरिंग हिज टाइम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दौर में या अपने वक्त में एक बहुत अच्छे शमशीर जन या तलवारबाज थे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करवाई चैप्टर नंबर 10 की, ठीक है, और फिर हमने साथ में वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस किए। मैं फिर से बता रही हूँ, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं
और इनको याद भी करना है। हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।